my channel Karan Tutorials. If you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel. The red button below. So guys, today's video is all about all the remedies that I really really love to use. Guys, ये remedies मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, specially summers में use करने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा refreshing है, instant results देती हैं and आपकी जो skin है बहुत जल्दी glowing and clear हो जाती है. So guys, ये जो remedies हैं बहुत ज़्यादा quick and easy हैं. So आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 very amazing remedies जो कि 100% natural भी हैं and आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इन्हें यूज़ करके. सबसे पहली बात कि आप पैच टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें. एंड सेकंड थिंग, ये रेमेडीज आपने कम से कम 3 हफ्ते तक तो ज़रूर ट्राई करनी है. 1 हफ्ते में 3 बार या फिर 2 बार अप्लाई करनी है फॉर अमेजिंग रिजल्ट. सो गाइज, सारा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Move tan and get lighter skin tone. सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून ऑफ टोमेटो पल्प, 1 टेबलस्पून ऑफ कर्ड. आप कोई भी दही यूज कर सकते हैं, चाहे घर पे बनाया हुआ है चाहे आप बाहर से लेके आए हैं. एंड उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, या तो आप बेसन ऐड कर सकते हैं, अगर बेसन नहीं है तो आप सैंडलवुड पाउडर ऐड कर सकते हैं. मैंने इसमें सैंडलवुड पाउडर ऐड किया है बिकॉज इट इज सो बेनिफिशियल फॉर अवर स्किन एंड बहुत ही प्यारा सा ग्लो भी आ जाता है हमारी स्किन के ऊपर एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारी स्किन को ये ठीक करता है. उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है बिल्कुल पिंच ऑफ टर्मरिक. मैंने वैसे वाइल्ड टर्मरिक यूज़ किया, आप नॉर्मल टर्मरिक भी यूज़ कर सकते हैं बट क्वांटिटी कम रखें. एंड उसके बाद मैंने अपने फेस के ऊपर इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड इसे हम रखेंगे 10 मिनट्स तक एंड उसके बाद वॉश कर लेंगे नॉर्मल और कोल्ड वाटर. इस पैक को आप यूज़ कर सकते हैं 1 हफ्ते में 2 बार. Get instant glowing skin. उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल एंड उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर. सो गाइस, जो एलोवेरा जेल है वो कलर फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन के लिए. एंड उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ कर्ड एंड इसे अच्छे से हम अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे एंड 10 मिनट्स के बाद हम नॉर्मल या फिर आप ठंडे पानी से या फिर नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर सकते हैं. नॉर्मली अपना टोनर एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, बहुत ज़्यादा प्यारा ग्लो आ जाएगा फेस के ऊपर. एंड आप देख सकते हैं मैंने 2 मिनट मसाज किया एंड उसके बाद इसे ऐसे ही रहने दिया एंड 10 मिनट बाद फेस वॉश कर लिया. आप देख सकते हैं कितना प्यारा ग्लो आया है. गेट रिड ऑफ डार्क सर्कल. सो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल. आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं एंड मैंने किया है मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज जो कि फ्रेग्रेंस एंड कलर फ्री है. एंड इसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया ताकि कोई भी लम्ब्स ना रह जाए, बिल्कुल स्मूथ बने ये वाला पेस्ट. एंड उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबल स्पून ऑफ कोकुम्बर जूस एंड 1 टेबल स्पून ऑफ पोटैटो जूस. ठीक है, सो गाइस, इसे अच्छे से मिक्स करके हम फ्रिज में रख लेंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए. उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कॉटन पैड्स ऑफ कोर्स जो कि हम अपने आई बैग्स के ऊपर रखेंगे जिन्हें हम डार्क सर्कल्स भी कहते हैं. सो गाइस, ये अच्छे से चिल्ड हो गया है आफ्टर 1 आवर. इसके बाद हम इसको अपने आई बैग्स के ऊपर रख देंगे एंड देन इसके बाद इसे ऐसे ही रहने देंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स. डू इट 2 or 3 टाइम्स अ वीक फॉर बेटर रिजल्ट्स. गेट फ्रेश एंड ब्राइट स्किन व्हेन यू आर फीलिंग डल. सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून ऑफ कुकुम्बर जो कि मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है. आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप ग्रेटेड कुकुम्बर भी कह सकते हैं. उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है पोटैटो जूस, 1 टेबल स्पून ऑफ पोटैटो जूस जो कि मेरी डार्क सर्कल वाली रेमेडी से बच के आया था. तो ये बहुत अच्छा आपके स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए. एंड उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया 1/2 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल एंड 1 टेबल स्पून ऑफ कर्ड एंड इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए. एंड उसके बाद हमने अप्लाई कर लेना है, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आ जाएगा एंड आपकी स्किन बहुत ब्राइट एंड वेट लगेगी. बहुत ही ज़्यादा इजी नाइट मास्क मैं बताऊंगी कि आप कैसे बना सकते हैं. उसके लिए हमें चाहिए होगी एलोवेरा जेल. तो ये जो मास्क होगा वो जेल फॉर्म में होगा.
इट्स अ नाइट जेल मास्क सो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो हम टी ट्री ऑयल ऐड करेंगे और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे। इन ऑयल की सिर्फ और सिर्फ हमने 2 ड्रॉप्स ही ऐड करनी है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो आप इसे 3 to 4 days के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो गाइस हमने इसको फेस के ऊपर लगाना है एंड ऐसे ही रहने देना है सुबह तक, उसके बाद सो जाना है आराम से। तो सुबह उठ के हमने नॉर्मल ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना है, ठीक है। सो गाइस इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है एंड अगर आप इसे रोज़ लगाएंगे ना तो आपकी स्किन बहुत ही जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएगी अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है एंड प्लस आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा यू नो क्लियर हो जाएगी एंड ग्लोइंग भी दिखेगी, ठीक है। सो गाइस आज की जो रेमेडीज थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी थी। गाइस अगर आप कोई भी रेमेडी यूज़ करें तो उसे कम से कम 3 हफ्ते तो ज़रूर दें। 1 हफ्ते में ऑफकोर्स हमने 2 से 3 बार ही करनी है रेमेडीज के, तो बाकी आई बैग्स वाली भी आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, नाइट क्रीम वाली भी, बट बाकी जो मास्क है अगर आप एक यूज़ कर रहे हैं तो उसी मास्क को लगातार अप्लाई करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड और इसमें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। सो गाइस अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय।